हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली में, अपने घर में ठीक होंगे। आज मैं ये आपके पास 4 से 5 साल के बच्चे का जंपर लेके आई हूँ, स्वेटर लेके आई हूँ। सबसे ज़्यादा फरमाइश मुझे इस ईयर के बच्चे की आ रही थी। अब मैंने यही सोचा है, बहुत सारे जो मैसेजेस आते हैं, मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, माजरत ख्वाह हूँ कि मैं उनको आंसर नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। समटाइम जब टाइम मिलता है तो कर भी देती हूँ रिप्लाई, तो मुझे इसके एक्सक्यूज़ कीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ और माइंड में ज़रूर रखती हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा फरमाइश 4 से 5 साल के बच्चे की है। अब मैं ये आप मुझे अपनी रिक्वेस्ट लिख दिया करें, आप अपनी फरमाइश मुझे बता दिया करें, फिर जो ज़्यादा होगा मैं वो प्रेफर करूँगी उसको पहले बनाने में। तो जैसे मैंने कहा, मेरा काम ज़्यादा छोटे बच्चों में ज़्यादा था, तो अब ये 4 से 5 साल के लिए मैं इतना नहीं काम कर पाई। तो ये उसकी फरमाइश पे मैंने लोगों की ये ऐसी फरमाइश पे ये लोग काम ये बनाया है। और इसमें ये कि अगर तो बच्चा हेल्दी है तो वो 4 से 5 साल का भी पहनेगा, अगर बच्चा नॉर्मल साइज में है तो ये 5 से 6 साल के बच्चे के लिए है। ठीक, उसके लिए मैंने शॉल कॉलर बनाया है और बाजू मैंने थोड़े से इस्त्री कर दिए, क्योंकि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा फिर बड़ा बड़ों वाला टच आ जाता है ना, जेंट्स वाला, तो ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हो तो वो बच्चों में पहना हुआ अच्छा लगता है, वरना बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो रहा था। और इसकी बैक साइड बिल्कुल ऐसी है, ये देखें, बैक पे भी बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन डला हुआ है। और ये इसके बाजू है। इसको बनाते हुए मैंने पूरी इसकी रिकॉर्डिंग तो की है, जो मैं इंशाल्लाह बाद में लोड भी करूँगी, अपलोड भी करूँगी। और बस यही मुझे कहना था। और ये एक रिक्वेस्ट जो मुझे और करनी थी कि अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। इससे मुझे फिर आप लोगों की पसंदीदगी का अंदाज़ा हो जाता है कि आपको ये चीज़ लाइक हुई है या नहीं, वरना अगर नहीं लाइक हुई तो तब भी राइट बनता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप और किस तरह की चाहते हैं। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे भी मेरी हौसला अफजाई होती है कि अगर मैं जो इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, लोगों को लाइक हो रहा है और वो उसको और भी मेरी चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए ये मैं यहाँ के आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। और हर वीडियो में ये मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपने कोई भी स्वेटर बनाने से पहले जो मैंने आपको देती हूँ, आप अपने बच्चे का कोई ओल्ड स्वेटर देख लें, ठीक, उस हिसाब से फिर आपने उसको थोड़ी सी एडजस्ट कर लें। मसलन जैसे ये मैं अगर कहती, ये पूरे 15 इंच आप कह लें कि इसकी चौड़ा बना है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है। बहरहाल आप इसको 14-15 इंच, ये रिलैक्स फॉर्म में है। आपने अगर इसको बनाना है, ट्राई करना है, तो आप अपने बच्चे का ये देख लें। अगर तो 15 इंच है तो ये साइज़ बेटर है, वरना आप मेरे चैनल पे जाके कोई और साइज़ का भी देख सकते हो अगर वो छोटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये आइडली 5 से 6 ईयर के बच्चे की मेजरमेंट है। और यहाँ से अगर मैं देखती हूँ, ये यहाँ से ये तकरीबन 17 इंच है, ठीक। यहाँ से तो आसानी से आपको लंबा छोटा करना आसान होता है, इधर से चौड़ाई से फिर ये होता है कि डिज़ाइन को समटाइम शॉर्ट करना होता है। तो चले ठीक है, ये फिर मैंने कॉलर ऐसे बनाया। हर दफ़ा मैंने वो ज़्यादा दूसरा कॉलर बनाती थी, तो इस दफ़ा मैंने शॉल कॉलर के साथ ट्राई कर लिया। बाजुओं की लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इंच बाजू है। और अंडर आर्म ये मेरे ख्याल में 12 इंच नीचे हैं, 12 इंच ये अंडर आर्म हो रहे हैं, 12 से थोड़ा ज़्यादा। चले ये तो होगी पूरी कैलकुलेशन। और वूल इसमें काफ़ी लगी है, क्योंकि ये डिज़ाइन कुछ ऐसा था, इसमें वूल ज़्यादा लग रही थी। ये मैंने बॉल ऑफ 100 ग्राम के 3 बॉल लिए थे, जिसमें से थोड़ी सी बची है बस, इतनी सी, वो थोड़ा सा मैश हो गया था तो मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा बॉल बना लिया। और ये कह लें कि, और ये तो थोड़ी सी लेफ्ट ओवर घर में थी तो मैंने डाल ली है, तो 10 ग्राम भी नहीं लगी होगी। यानी कि आप, अगर मैं इसको यूज़ करती तो आप ये कह लें कि इस पूरे जंपर को अगर मैं ये वाला कलर नहीं लगाती तो 300 ग्राम इस पूरे को लगी है, इस सारे स्वेटर को। उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारे आंसर दे दिए हैं। तो
चले फिर ठीक है, अब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और आप इंजॉय कीजिएगा, और अगर आपको लाइक हुआ तो लाइक का बटन प्लीज जरूर दबा देना। इसके लिए जो मैंने जो वूल ली है वो है फील्ड वालों की बोनस डीके है। डीके का मतलब डबल निटिंग। और अक्सर बहनें मेरे से पूछती हैं कि आप कौन सी वूल लेते हो किस में, तो मैं उनको बस यही कहूँगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, खास नहीं है, बस मुझे कलर से होता है, जो मुझे कलर अच्छा लगता है, और थोड़ी सी वूल चेक करती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ। और इसमें उन्होंने रिकमेंडेशन जो दी है वो नीडल 4 mm की है। ये देखें यहाँ पे आपको ये यूके साइज 4 mm साइज 8 है, ओके, और यूएस का साइज 6 है। ये उन्होंने हर एक वूल पे लिखा होता है, ये यूके साइज 8 है और ये 4 mm होती है, ठीक है। बस इसी तरह ये मैंने इसकी वूल ले लेती हूँ। और अब आपकी और अपनी सुल के लिए मैंने इसको इसको इतना बना के रखा हुआ है यहाँ तक। ये मैंने 91 स्टिचेस लिए थे और इसको फिर ये 3 में है और ये यहाँ से यहाँ तक 6 में पड़ता है डिज़ाइन, फिर ये 3 के दरमियान में मैंने गैप दिया है, फिर ये 6 है, इस तरह 6-3-6-3 करके ये डिज़ाइन अप्लाई हुआ है। और ये टोटल 91 स्टिचेस हैं क्योंकि साइडों पे मैंने यहाँ भी 2 रखे हैं और यहाँ भी 2 रखे हैं, या 3-3 नहीं किए, वो तब जब सिलेंगे तो इनका गैप बराबर आ जाएगा। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रोज जो 6 स्टिचेस की है, ये 60 इसका मतलब हो गया, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये 3-3 की है, 9 times 3 3 रोज है, ये 27 हो गए, और 87 हो गए टोटल। और ये यहाँ से 2 इधर और 2 एंड के 4 ये ऐड करेंगे आप, इस तरह ये 91 टोटल हो जाते हैं। मैं आपको लिख भी देती हूँ, ये देखें मैं आपको लिख भी देती हूँ। ये मैंने 91 स्टिच लिए थे, सबसे एंड पे मेरे स्टार्ट में 2 से ये मैंने 2 यहाँ डाले थे, फिर 6 का पैटर्न हुआ, फिर 3 गैप हुए, फिर 6 पैटर्न हुआ, फिर 3 ये मिडल वे आ गए सीधे सीधे, फिर 6 पैटर्न, इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम पैटर्न रिपीट हुआ, और दरमियान में ये 9 टाइम के सीधे सीधे आए हैं और एंड पे भी 2। इस तरह ये टोटल अगर आप करते हो तो ये 91 स्टिच हुए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 पैटर्न तक के मैंने ये स्टिचेस डाले हुए जो कि 19 हैं, ओके। बॉर्डर मैंने इसका यहाँ तक अगर आप कह लेते हो यहाँ तक तकरीबन 1.5 inch का बॉर्डर बनाया हुआ है। ये आपकी अपनी मर्जी, या आप कितना बॉर्डर पसंद करते हो, छोटा पसंद करते हो या बड़ा पसंद करते हो। अभी तो ये मैंने ये 19 स्टिच डाले हुए हैं समझाने के लिए। इसको मैं एक पहली सिलाई तो एक सीधा एक उल्टा एक सीधा ऐसे करके बना लेती हूँ बस। ये मैंने पहली सिलाई डाल ली। अब दूसरी सिलाई पे हम ये करेंगे, ये जो सीधे वाला है ये हम पीछे से लाके ऐसे बनाएंगे, ठीक, धागा आगे। ये जो उल्टे वाला है ये मैं ऐसे पीछे से लाके बनाऊंगी, सीधा भी पीछे से, उल्टे वाला जो निट पर्ल है वो भी पीछे से, निट भी ऐसे। इसी तरह आपने फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ इसी तरह आपने बॉर्डर बनाते जाना है जितना आपने बड़ा बनाना है। उसी साइड से भी उसी तरह बैक सीधा पीछे से बना रही हूँ, फिर ये उल्टा भी पीछे से बना रही हूँ, सीधा भी पीछे से ऐसे। ये देखिए अब मैंने इतना बॉर्डर बना लिया, आपने इसी तरह 1.5 inch का बॉर्डर बना लेना है। अब आता है डिज़ाइन। ये डिज़ाइन के लिए हम तैयारी करते हैं, ये 6 सिलाइयों पे पड़ता है, 6 रो पे, लेकिन पहली 2 सिलाइयाँ सिर्फ हमने तैयारी के लिए करनी है, बाकी एवरी 6 सिलाइज पे ये रिपीट होगा। पहले मैंने 2 तो मैंने देखे सीधे रखे थे, ठीक है ना, 2 मेरे सीधे हैं। अब ये एक ये सीधा फिर एक उल्टा इनके बिटवीन, ये देखो सीधा और एक उल्टा, फिर 2 पैटर्न के। अब मैं एक सीधा बनाऊंगी, एक उल्टा करूंगी, 2 पैटर्न के सीधे हो जाएंगे, फिर एक उल्टा और ये एक सीधा और ये सीधा। अब मिडल में फिर 1 2 3 मेरे
ये मिडल के सीधे आएंगे। अब फिर ये सिक्स का ये हो जाएगा, वो कैसे, एक सीधा उल्टा, दो तीन चार, फिर ये उल्टा पांच, फिर ये सीधा छः, छः में ये पैटर्न की एक रो ये बनती है। अब साइड वाले फिर मैंने दो सीधे रखे हैं, जैसे कि मेरे इधर और दोनों साइडों पे है। अब उल्टी साइड पे हमने जो सीधे हैं वो सीधे उसी तरह डालने हैं, ये नहीं सॉरी, ये एंड वाले मेरे दो सीधे थे, और ये वाला जो है ना, ये वाला जो एक सीधा बड़ा आ रहा है, इसको मैं उल्टी साइड पे ऐसे ही उठा लूँगी, इसको बने बनाए ही इसमें शिफ्ट कर लूँगी। ठीक, फिर मैंने एक सीधा बनाना है जो कि इनका है, ये दो मेरे उल्टे होंगे, वन टू उल्टे होंगे, फिर एक सीधा हो जाएगा उल्टे के बाद, और ये फिर ये वाला जो होगा इस साइड पे, वो मैंने ऐसे ही उठा लेना है बगैर बनाए, धागा पीछे, वन टू थ्री ये बिटवीन गैप के, फिर धागा आगे, फिर सीधा जो होगा ये इस साइड पे उल्टा होगा, मैं वैसे ही उठा लूँगी, फिर ये मैंने धागा पीछे किया, ये सीधा बनाया जो कि यहाँ उल्टा होगा, और फिर मैं धागा आगे करने के बाद दो सीधे बनाऊंगी डिज़ाइन के, फिर एक धागा मेरा उल्टा हो गया, और फिर धागा आगे करने के बाद मैंने ऐसे ही एक पिक कर लिया, और ये दो। शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रही हो, लेकिन अब जब बनाओगे और थोड़ा सा और मैं भी बनाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो सिर्फ दो मेरी डिज़ाइन डालने की तैयारी के लिए सिलाइयाँ थी, जो कि आपने इसी तरह 91 स्टिच पे डाल लेनी है, जो कि मैंने 6 ऐसे करके डाली हुई है। ठीक, अब अगली सिलाई से मेरा पैटर्न शुरू होने लगा है। पैटर्न की पहली दो सिलाइयाँ तो वैसे ही डलती हैं जो जैसी हैं, यानी कि ये यहाँ इस दफ़ा मैं ये सीधा बनाऊंगी, धागा उल्टा, एक उल्टा, दो जो सीधे, जो कि अभी पैटर्न नहीं डलेगा, ये वाला बाद में बनाऊंगी ये। ठीक, और फिर उसके बाद एक उल्टा यहाँ जो इनके, एक सीधा, ओके, तीन गैप के, वन टू थ्री, ये दोनों साइडों से उल्टे सीधे ही बनने हैं, फिर एक सीधा यहाँ उल्टा, दो पैटर्न के डिज़ाइन के, फिर धागा उल्टा करके उल्टा गैप का, फिर ये एक सीधा, और ये साइड भी सीधे। इसी तरह ही ये मैं करती हूँ, ये रॉन्ग साइड, इसमें ये मैं इसको मैं नीट ही करूँगी, ये बगैर नीट किए मैं यहाँ से उठा लूँगी, जो कि इस तरह सीधा आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ एक सीधा जो कि दूसरी साइड पे उल्टा है, दो पैटर्न के मैं पर्ल करूँगी नीट, ये वैसे स्किप करूँगी, फिर तीन मुझे उसी तरह डिज़ाइन के मिडल के डालने हैं, मिडल के, और ये ऐसे उठाऊंगी, ये दो डिज़ाइन के, ये उल्टा, ये वैसे ही उठाया मैंने, और ये वन एंड टू, ये इसका, ओके, ये पैटर्न की दो सिलाइयाँ हो गई। अब तीसरी सिलाई पे हमने ये करना है, थर्ड रो में, ये तो खैर ये जो ये दरमियान वाले तो ऐसे सीधे सीधे चलेंगे ना, इस साइड पे ये मैंने सीधा बना लिया, ठीक, ये इसका उल्टा, ये सिर्फ ये इन दो पे पैटर्न पड़ता है इनका, ये हमने अब ये करना है, धागा मैंने पीछे कर लिया, वन टू ये थ्री, वन टू थ्री पे हमने इधर से मुझे एक लूप बना लेनी है, ऐसे बनाने के बाद मैं वन एंड टू वैसे ही बना लूँगी, बनाने के बाद वन टू थ्री, थ्री के बाद फिर मैं यहाँ एक लूप बनाऊँगी, ओके, और ये फिर मेरा उल्टा है और ये सीधा, इस तरह ये सिक्स लाइनों पे भी है, फिर दरमियान में तीन मेरे वैसे मैं निट करूँगी, सीधे सीधे बनाऊँगी, ये पैटर्न के लिए जिसकी आउटलाइन आ रही है ना, ये वो है, और फिर दरमियान में एक गैप है, फिर ये दो पे डिज़ाइन आना है, वो कैसे, वन टू थ्री के बाद थर्ड
मैं बैक ऐसे एक लूप बना लूँगी। लूप बनाने के बाद वन टू मैं वैसे ही बनाऊँगी, फिर वन टू थर्ड के बाद इसकी एक और दोनों साइडों पे एक एक लूप बन जाएगी दो के, और ये उल्टा हो गया ठीक, और ये सीधा और ये भी सीधे। ये पैटर्न की थर्ड सिलाई थी ठीक। अब मैंने आगे आना है फोर्थ पे। फोर्थ पे हमने उसी तरह ये जो सीधे हैं वो तो दोनों साइडों पे सीधे सीधे ही बनेंगे, दो सीधे धागा आगे, ये मैंने ऐसे ही पिक कर लेना है, ये एक उल्टा। अब ये जो लूप मैंने ऐसे ही इधर शिफ्ट कर लेनी, स्किप कर लेनी है, ये दो मुझे बनाने हैं, दो बनाए, इसकी लूप भी मैंने ऐसे ही इधर शिफ्ट कर ली ठीक। ये उल्टा सीधा है, दूसरी साइड पे उल्टा है, और ये मैंने ऐसे ही पिक किया, वन टू थ्री, थ्री करने के बाद ये मैंने ऐसे ही पिक कर लिया ठीक। ये मैंने बनाया, अब लूप को मैंने ऐसे ही शिफ्ट कर लिया, वन टू बने, और फिर ये दूसरी लूप भी शिफ्ट हो गई, धागा पीछे यहाँ, और ये मैंने ऐसे ही करने के बाद दो। अगर आपको ये कन्फ्यूजन लगती है तो आपने ऐसा करना है कि इसी तरह ये 19 स्टिच डालने के बाद इसी तरह जैसे जैसे मैं बनाती हूँ उसी को आपने ऐसे पॉज कर करके बनाते जाना है, ताकि जब आप हाथ से चीज़ बनाते हो तो कन्फ्यूजन ज़्यादा जल्दी दूर होती है। ये मैंने ये ऐसे हो गए ठीक, अब उल्टा ये तो ऐसे ही बन गए। अब ये जो दो के थे मैंने चार, दो लूप और दो चार हो चुके हैं, इन चारों को मैंने इकट्ठा लिया पीछे से, लेने के बाद मैंने इसको ऐसे बना लिया। बनाने के बाद इसको लीव नहीं करना, इसको इसी तरह नीडल पे रहने देना है, और फ्रंट से फिर ला के हमने, अगर मैं ऐसे करती हूँ ना तो ये बहुत मुश्किल आता है, इसको ज़रा आपने ऐसे घुमा के नीडल से घुमा के इसको ऐसे ले आना, ये चारों कट, फिर दो हो गए ठीक, चार के दो। और ये तो इसी तरह, ये तो साइड उल्टी है, ये सीधी, ये तो ऐसे ही चलेगी, मिडल के भी ऐसे ही चलेंगे, सिर्फ आपने उन दो पे फोकस करना है। ये अब ये चार है, ये मैंने इधर ठीक, और ये हो गया, ये इसकी फिफ्थ रो भी खत्म हो गई। अब अगली सिक्स रो हमने उसी तरह जो सीधे हैं वो जैसे बन डिज़ाइन के हिसाब से, ये मैंने सीधे बनाने हैं वो वैसे पिक करना है उसी तरह करना है, तो ये एक दफ़ा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये इसी तरह ये सीधा है, ये मैं ऐसे ही पिक करूँगी, ये हर दफ़ा ये वाला जो मेरा साइड है ये उल्टी साइड से ऐसे ही पिक होगा, तभी ये मोटी मोटी सी एक रिज सी बनती है ना, और ये सीधा और दूसरी साइड पे उल्टा। अब जब ये दो जो लूप के थे चार से पैटर्न के, चार से फिर मैंने दो पे आ गई हूँ, उसको हमने क्या करना है कि ये इस वाले को हमने ऐसे पकड़ के सीधा कर लेना है, क्योंकि हमने बल डाल के किया था ना आसानी के लिए, तो इस दफ़ा आप सीधा कर लें। ये मैंने वैसे ही पिक किया, वन टू थ्री, ये मैंने ऐसे पिक कर लिया, ये उल्टा। अब ये फिर वो जो पैटर्न वाले दो आ गए, इसको मैंने ऐसे पकड़ा ऐसे सीधे कर लिया, या अगर ऐसे है तो आप ऐसे पीछे से बना लें ठीक। ऐसे करने के बाद फिर ये एक उल्टा, ये दो सीधे, ये मेरा सिक्स रो में एक दफ़ा पैटर्न ये बन गया। अब मुझे दोबारा पैटर्न रिपीट करना है, पहले क्या करना है कि दो सिलाइयाँ तो हमने वैसे ही जो जैसे है वैसे बनाने होते हैं। ये मैंने सीधा बना लिया, ये मेरा उल्टा, ये दो लूप वैसे सीधे, ये पहली सिलाई बिल्कुल पैटर्न की उसी तरह बनानी है जो जैसे जो स्टिच जैसे आ रहा है, अगर सीधा आ रहा है तो सीधा बनाएंगे, अगर उल्टा आ रहा है तो उल्टा बनाएंगे ठीक। ये फिर ये वो दो पैटर्न वाले, ये उल्टा, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई पैटर्न की ठीक। अब दूसरी रो में हमने भी उसी तरह फिर जो सीधे गैप के हैं वो तो सीधे ही पड़ेंगे, और ये वाला जो मुझे एक ऐसे ही पिक करना होता है, ये मैंने उल्टा बनाया दो पैटर्न के, यहाँ ये जहाँ सीधा है और दूसरी साइड पर उल्टे हैं, ये मैंने ऐसे ही पिक कर लिया सिक्स वाला, वन टू थ्री, ये ऐसे पिक हो गया, वन
टू, ये उधर, ये ऐसे पिक हो गया और ये दो सीधे, ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई। ठीक, अब थर्ड रो में हमने फिर उस तरह लूप बनानी है। ठीक, ये तो होगी। अब ये तो जो बस इन दो को हमने करना है, बाकी तो जो जैसे हैं वैसे ही चलते रहने हैं। ठीक, इनको हमने फिर वन टू थ्री, थर्ड के बाद फिर मैंने यहाँ से लूप बनाई। ये थर्ड सिलाई है वन टू पैटर्न की, इसको फिर मैंने इसको लूप बनाई दोनों साइडों पे, ये उल्टा और ये सीधा, फिर वन टू थ्री, फिर यहाँ सीधा हुआ, ये उल्टा हुआ और ये फिर वन टू थ्री के बाद फिर हमने ऐसे लूप बनानी है इसके पास। ठीक, दो बनाए, वन टू थर्ड, ये थर्ड में फिर मैंने लूप बनाई। ठीक, दो के इर्द गिर्द लूप बन गई, फिर ये उसी तरह उल्टा, ये सीधा और साइड के भी दो सीधे, ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई। ठीक, अब हम आ रहे हैं फोर्थ रो पे, फोर्थ रो पे भी उसी इसमें लूप वैसे बनाए वैसे स्किप करनी है। ठीक, ये तो हम हर दफ़ा यहाँ वैसे ही स्किप करते हैं, जो कि ये साइड सीधी होती है ना, ये उल्टा। अब लूप को मैंने इधर ऐसे ही शिफ्ट कर लिया बगैर बनाए, मिडल के दो बना लेने हैं, ये वाली लूप ऐसे शिफ्ट हो गई। ठीक, अब ये सीधा, फिर ये ऐसे पिक हो गया, वन टू थ्री, वैसे पिक हो गया, ये उल्टा बना, लूप ऐसे ही मैंने शिफ्ट की, वन टू, ये भी ऐसे ही शिफ्ट हो गई, ये फोर्थ सिलाई पैटर्न की कंप्लीट हो गई। ठीक, अब फिफ्थ में, पैटर्न की फिफ्थ रो में हमने, फिफ्थ सिलाई में हमने, ये तो ऐसे, ये तो बिल्कुल वैसे बनते जाने हैं। ठीक, ये उल्टा भी बना। अब फिर इन चारों को हमने, मैंने इकट्ठा बनाया, बनाने के बाद लीव नहीं किया, फ्रंट से फिर मैंने, ये देखे, इन चारों को पकड़ा, करने के बाद इनको मैंने इस तरह घुमा के इनको ज़रा खींचा, तो ये चारों बन गए। ठीक, ये आप ख्याल कीजिएगा, ये ना कोई एक आध लूज हो जाए और फिर वहाँ होल बनता चला जाए। ठीक, ये ऐसे हो गया, ये सीधा, वन टू थ्री मिडल के, और ये सीधा, ये उल्टा, फिर ये चार मैंने ऐसे ही पिक किए, करने के बाद इनको ये ऐसे घुमा के इसको ऐसे निकाल लिया। ठीक, अब ये मेरी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई, और सिक्स रो में उसी तरह जिस तरह ये है पैटर्न के हिसाब से, ये तो सीधे, ये वाले तो सीधे सीधे दोनों साइडों पे आने हैं ना, ये मैंने ऐसे ही पिक कर लेना है, ये उल्टा और ये पीछे से, ये आपने ख्याल रखना है ये पीछे से, वरना ये फिर बल खाएगा वो, ठीक है ना, वो धागा बल खा के आएगा। ये मैंने ऐसे ही पिक किया, तीन, फिर ऐसे पिक होना है, ये उल्टा सीधा जो दूसरी साइड पर उल्टा है, ये पीछे से। इसी तरह मैंने इस पैटर्न को बना लिया है, आपने पहले इस पैटर्न को खुद से भी सीख लेना है, जैसे मैंने आपको ये दो रो पे दो पैटर्न सिखाए ना। अगर आप इतने ज़्यादा निटर नहीं हैं, गुड निटर नहीं है, आप स्टार्ट ले रहे हो या थोड़ा बनाया हुआ है, तो आप इसी तरह इसको दो को पहले बना के पैटर्न को सीख लें, उसके बाद आप इसके 91 स्टिच डाल के इस तरह अप्लाई कर लें। ठीक, और ये मैं इतना बना चुकी हूँ, कितने टाइम मैंने इस तरह पैटर्न रिपीट किया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन टाइम ये मेरा पैटर्न रिपीट हुआ है। अब मैंने दोबारा से नया पैटर्न के लिए शुरू करनी है। ठीक है, और आप यहाँ तक लेंथ जो हो चुकी है वो 10 इंच हो चुकी है। ठीक, 10 इंच। अब यहाँ से मैंने ये करना है कि नेक के लिए पार्टीशनिंग कर देनी। अब देखें, यहाँ से मैंने ये
यानी कि आप ये कह लें कि ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40 स्टिच मैंने इधर रखे हैं और 40 ही स्टिच इधर है, ठीक 40, और दरमियान के जो 11 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक टोटल 91 थे ना, 40, 40, 80, ये दरमियान के 11 को मैंने इसको इसमें डाल लिया है, मार्क कर लिया है। यहाँ से मैंने वो जो शॉल कॉलर के लिए, यहाँ से मैंने शॉल कॉलर के लिए इसको लीव करना है। अब मेरे ये दो पार्ट सेपरेट सेपरेट बनेंगे, लेकिन अभी 6 सिलाइयों के बाद मुझे यहाँ से शोल्डर भी कम करना है, उसके स्लीव्स के लिए कटिंग भी करनी है। अभी तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बनाती हूँ, उसी तरह जैसे मैंने आपको पैटर्न सिखाया है। ये उसकी पहली सिलाई जो आने लगी है, वहाँ ये दो मेरे सीधे ही हैं, ये वैसे सीधा, ये एक उल्टा। अब ये 1, 2, पहली सिलाई तो उसी तरह हो डलती है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। अब ऐसा करते हैं कि हम एक सेफ्टी पिन लेते हैं और ये जो मिडल के मेरे 11 हैं वो मैं इस सेफ्टी पिन में डाल लेती हूँ। ये हमने अभी बनाने नहीं है, यहीं से उठा के फिर मुझे दोबारा कॉलर शुरू कर देना है। ये मैं ये 11 के 11 मैंने इसमें डाल लिए हैं, और ये जो ये ठीक, ये मैंने इसमें डाल लिए, और ये मार्कर, ये जो मार्क है मैं यहाँ रख देती हूँ। ये पोर्शन मैंने अलहदा बनाना है, ये मुझे सेपरेट बनाना है, फिर बाद में मिडल में मुझे कॉलर बनाना है। अब यहीं से मैं ऐसे उल्टे इसके रॉन्ग साइड बनाने शुरू कर देती हूँ, उठा के ये अब ये देखें यहाँ ये मुझे ऐसे ही उठाना है, 1, 2, 3, ये देखें इसको मैं ऐसे बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से जैसे मैंने आपको सिखाया है। ये अभी मुझे 6 सिलाइयाँ इसी तरह डालनी हैं जी। ये देखें यहाँ मैंने 6 सिलाइयाँ और डाल ली हैं यहाँ इस साइड पे, यानी कि मैंने एक पैटर्न और कंप्लीट कर लिया है पहले। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पैटर्न हो चुके हैं। और आप अगर इसकी लेंथ देखते हो तो यहाँ से तकरीबन नियरली 11 इंच के पास हो गई है, ठीक है। यहाँ से देखते हो ना, वो सिलाई बेंट हो रही थी, नियरली 11 इंच के पास है ऐसे। अब मुझे यहाँ से स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है, वो मैं कैसे करूँगी, स्लीव्स की कटिंग मैं ऐसे करूँगी, से बताती हूँ। अब मुझे इसके लिए स्लीव्स की कटिंग करनी है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले मैं 3 कम कर लूँगी, फिर मैं 2 कम कर लूँगी, ठीक, फिर 1, 1, 5, 6, 7, 9, फिर एक दफ़ा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, फिर 1, 10, ये टोटल मुझे 10 कटिंग करनी है, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल मुझे 10 स्लीव्स के लिए यहाँ पे कटिंग करनी है। और साथ ही मुझे इस साइड पे भी यहाँ से भी थोड़ा सा वी देनी है, उसके लिए फिर मैं ये करूँगी कि अभी मैं यहाँ पे देखे मैंने कितनी 1, 2, 3, 6 सिलाइयाँ डाल ली है ना, तो 2 सिलाइयों के बाद फिर मैं 1 कम कर दूँगी, फिर मैं 8 सिलाइयों के बाद 1 कम कर दूंगी, फिर मैं 8 सिलाइयों के बाद 1 कम कर, इसी तरह मैं 4 स्टिच इधर से भी कम करूंगी, ये 1, 2, 3, 4 स्टिच मैं इधर से भी कम करूंगी, ठीक। इस तरह थोड़ा सा ये राउंड हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हमने इसको वी बनाना। और ये मैं इसी साइड से ऐसे बनाना शुरू कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले सबसे पहले 3 को कम करूँगी, 1, 2, 3 कम हो गए, बाकी मुझे अभी ये पैटर्न दोबारा स्टार्ट होना है, तो उसकी 2 सिलाइयाँ तो वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाई वैसे ही डलती हैं। ये सीधा बनाऊंगी, 2, 3, ये फिर सीधा, ये उल्टा, ये 2 वैसे ही अभी, फिर इसी तरह मैं बना के ये सारा बना के इसकी उल्टी सिलाई बना के आती। ये देखें मैंने यहाँ
तक बना लिया। अब मैं दो तो यहाँ कम करूंगी, जब ये सिलाई के एंड पे आऊंगी तो एक मुझे यहाँ से भी कम करना। मैं बनाते इधर आ गई हूँ, जब हम एंड पे आएंगे तो इस साइड पे हम एक ऐसे कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक, एक इधर कम हो गया और इधर। अब इसी तरह मुझे ये बनाना है। अब मैंने थ्री कम कर लिए, टू कम कर लिए, मैं ऐसे फोर टाइम वन वन कम करूंगी, फिर कोई कम नहीं करूंगी, फिर एक कम करूंगी, वो तो इधर स्लीव साइड पे होगा। इस साइड पे जब मैं आठवीं सिलाई पे आऊंगी, आठ सिलाइयां डाल लूंगी, उसके बाद मैं एक और कम कर दूंगी। ये देखें, मैंने इधर से थ्री टू वन 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 वन, फोर टाइम वन वन, और इस दफा मैंने फिर कुछ नहीं किया और फिर एक और कम कर लिया, टोटल टेन मैंने कम कर लिए। और इसी तरह इस साइड पे मैंने यहाँ एक कम किया, यहाँ फिर वन टू थ्री फोर के बाद फिर मैंने एक और कम कर लिया। अब ऐसा करते हैं आप हर, अब मुझे यहाँ से ये तो मेरे कंप्लीट हो गए, स्लीव्स के लिए और कटिंग नहीं करनी, यहाँ मुझे दो और कम करने हैं, दो। आप ऐसा कीजिएगा वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव यानी कि टेन सिलाइयों के बाद एक कम कर ले, फिर टेन के बाद एक कम कर ले और बाकी आप ऐसे ही बना ले। यानी कि टोटल मुझे शोल्डर के लिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, 26 स्टिच आप शोल्डर के लिए लीव कर दीजिएगा। ठीक है, और ये दो आप कम कर ले एवरी टेन सिलाई के बाद, और इसको थोड़ा सा और बनाते हैं, जब देखते हैं कितनी लेंथ तक है फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ ये सारा बनाते हुए यहाँ तक बना के इसको बंद कर दिया, उसमें इस साइड पे मेरे वन टू थ्री फोर टाइम फोर स्टिचेस ख़त्म हुए, और इधर जैसे मैंने आपको बताया था थ्री टू वन 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 करके वो ऐसे ख़त्म हुआ ये। और इसकी अब मैं टोटल लेंथ आपको बताती हूँ कितनी होगी। अब इसकी टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 17 इंच हो चुकी है, 17 इंच। ठीक है, यानी कि 11 इंच तक यहाँ था, यहाँ से फिर मैंने 6 इंच तक ये बना। और इसी तरह मैंने ये वाले छोड़ने के बाद इस साइड पे भी ऐसे ही साथ साथ ये किया, इधर कटिंग किए स्लीव्स के लिए और साथ में वन टू थ्री फोर टाइम उसी तरह यहाँ कम किया, फिर वन टू थ्री फोर के बाद एक कम कर लिया, फोर इसको यानी कि एट साइड के बाद, फिर वन टू थ्री फोर फाइव के बाद मैंने कम किया, फिर फाइव के बाद कम किया, और इस तरह ये छोटा हल्का सा सलान ऐसे वी बन गया, और ये दोनों ये पोर्शन मेरा ख़त्म हो गया। इसी तरह मैंने बैक साइड पे 91 मैंने स्टिच लिए, 91 जैसे मैंने आपको बताए थे, उसी तरह डिज़ाइन को डिस्ट्रीब्यूट करके बस बनाती चली गई। जब मैं यहाँ पहुँची 11 इंच पर, तो फिर मैंने इसकी दोनों तरफ से स्लीव्स की कटिंग कर ली, करने के बाद बैक मैंने कुछ नहीं किया। जब मेरा ये 17 इंच तक हो गया तो मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि ये शॉल कॉलर था, इसके लिए यहाँ कटिंग की नीड नहीं थी। लेकिन मैं आपको डिज़ाइन भी बता देती हूँ, पैटर्न कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के बाद मैंने एक सिलाई डाल के इसको बंद कर लिया हुआ है। ठीक है, और ये चौड़ाई कितनी हो रही है ये भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अभी सिलाई करने से पहले अगर हम देखें तो ये 15 इंच तक ये चौड़ा हो रहा है, और इस तरह ये मेरे दो पैनल फ्रंट और बैक के बन गए हैं। अब मैं यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक मैं इसको दोनों को सी लेती हूँ जी। ये देखें, एक बस आपको ट्राई ये करें सिलाई करते हुए कि जो पैटर्न है वो पैटर्न को ऐसे मीट करे ना, एक ताकि वो नीट लगे ऐसे। थोड़ा सा बस आप यहाँ से उठा लें, यहाँ से इधर से, और थोड़ा सा आप ऐसे उठा लें, और इस तरह ये आप सीते चले जाएं जी। ये देखें, ये मैंने दोनों साइडों पे ऐसे ही सी लिया है। अब यहाँ से मुझे कॉलर बनाना शुरू करना है। सबसे पहले तो मैं इन स्टिचेस को वापस सिलाई में डाल लेती हूँ। ठीक, ये मैंने ये जो मेरे 11 स्टिच थे जो मैंने रखे थे इसको वापस इस सिलाई में डाल लिया। अब यहाँ से मैं वूल को ऐड करती हूँ। यहाँ से ठीक, पहली सिलाई तो हम
पैटर्न के तरह ही बना लेंगे, जैसे पैटर्न डिज़ाइन पड़ा हुआ है। ये वन एंड टू, फिर उसके आगे ऐसे उल्टा आ रहा है, ठीक, ये सीधा बनाएंगे वन, ये फिर तीन सीधे, वन टू थ्री सीधे, फिर ये एक सीधा उल्टा, और फिर ये दो सीधे। अब यहाँ से हमने बस दोनों तरफ से सीधा सीधा निट निट करना है। अब हम क्योंकि कॉलर बनने लगा है, यहाँ से यहीं से हम उल्टा कर लेंगे और मैं सीधा सीधा बना लूँगी। ऐसे वो ये इसको थोड़ा सा मैं नोट कर लेती हूँ सिक्योर करने के लिए, यहाँ करके और एक यहाँ पे नोट बना लेती हूँ। अब बस इसी तरह इसको सीधा मैंने बनाया। अब अगली सिलाई फिर मैं सीधी बनाऊंगी, ये देखें मैंने टू रिचेस तक चार सिलाइयाँ डाल रही हैं, ठीक। अब मैं जब जब मैं इस साइड पे आऊँगी तो मैं एक स्टिच बढ़ा लूँगी, यानी कि अभी तो मैं ये सीधा सीधा ही बनाना है। यहाँ जब मेरा एक स्टिच रह गया ये, तो मैंने इस तरह इसको ऐसे बढ़ा लिया, बनाने के बाद ये हो गया। अब मैं ये इस सिलाई पे बनाया ना, अब मैं बनाऊंगी वन टू थ्री फोर फाइव, जब सिक्स बनाऊंगी तो फिर एक इसी तरह एक और स्टिच बढ़ा लूंगी। एवरी सिक्स सिलाई पे मुझे ये स्टिच बढ़ाते चले जाना है। ये मैंने पांच सिलाइयाँ डाल ली हैं, ये मेरी सिक्स सिलाई स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। वहाँ ऐसे करते करते जब मैं एंड पे आऊंगी तो फिर एक स्टिच बढ़ा लूंगी। जब मैं यहाँ आऊंगी तो फिर एक ऐसे स्टिच बढ़ जाएगा, बनने के बाद ये बना लूंगी। इसी तरह एवरी सिक्स लाइन पे मुझे इसको बढ़ाते जाना है। अब ये हो गया, फिर मैं वन निट करूंगी, टू थ्री फोर फाइव, जब सिक्स मैं निटिंग पे आएगी तो फिर मैं एक और बढ़ा लूंगी, इंक्रीज कर लूंगी, ठीक है। इसी तरह आप इसको बनाते जाए। देखें ये मैंने इस साइड पे एवरी सिक्स लाइन पे बढ़ाते बढ़ाते इतना बना लिया है, यहाँ तक ऑलमोस्ट इसके ये बराबर आ गया, ठीक है ना। ये देखें ये, अब ये इसको हमको साथ साथ इसको सी भी लेते हैं ताकि तकरीबन हो गया है, लेकिन फिर भी एहतियातन इसको मैंने अभी साथ साथ सीना शुरू कर देती हूँ जी। ये देखें हमने यहाँ से यहाँ तक इसको बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में ऐसे सीना शुरू कर देना। मैं यहाँ से धग इधर से वन टर्म लो, आप बस इस तरह देखते जाओ, ठीक, ज़्यादा खींचना नहीं है वरना ये खींच पड़ेगी। और अब ये दो मैं इकट्ठे ले लेती हूँ, ठीक। अब ऐसा करो, यहाँ से मैंने दो को इकट्ठे पिक किया ना, अब एक दफ़ा मैं यहाँ से वन लूँगी, वन इस साइड से ऑलवेज वन ही आएगा, फिर ये टू वन होगा, इधर से वन आएगा। जब मैं थर्ड टाइम फिर मैंने वापस इधर जब आऊँगी तो दो इकट्ठे पिक कर लूँगी, ठीक। इस तरह ये ना रिलैक्स फॉर्म में सिलता जाएगा, खींच नहीं पड़ेगी, खींच पड़ेगी तो फिर जब बच्चा पहनेगा तो ये टम्मी से ये कॉलर की वजह से उठेगा। अब मैंने यहाँ से टू कर लिया ना, तो अब मैं यहाँ फिर वन, एक, यहाँ से ऑलवेज एक ही पिक करनी है, एक रीजिए एक, ये दो। अब मैं जब थर्ड टाइम आऊँगी तो दो को इकट्ठे पिक कर लूँगी, ठीक। अब मैं जब थर्ड टाइम आई तो दो को ऐसे इकट्ठे पिक कर लिया। इसी तरह आपने सीते जाना है, यहाँ से वन
ये वन, इधर से अब वन यहाँ, फिर ये सेकंड हो गया, अब यहाँ से एक ही। जब मैं थर्ड टाइम आई तो दो को मैंने इकट्ठे पिक कर लिया। अब इसको गौर से एक दो दफ़ा देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आए बस इस तरह आप यहाँ तक सीते जाएं। जी ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक उसी तरह सिलाई करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ मैंने टू पिक किए, इधर से वन करूँगी, फिर यहाँ से वन, यानी कि टू वन, और यहाँ अब ये पूरा हो गया। अब इसके इधर ये जो शोल्डर की सिलाई है ना वहाँ तक आ गया। अब हमने कोई भी इंक्रीज नहीं करने, अब हमने जितने ये है ना बस सीधे सीधे इसी तरह बनाते और ये सहा सिलाई करना है। अब ये कितने हो चुके हैं स्टिचेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व 12, 24 एंड 25। ये 25 स्टिचेस हो गए हैं, जो कि 11 थे, 20 यानी कि 14, 14 स्टिचेस मैंने इस तरह ये बड़े हैं। और इस साइड पे कोई नहीं बड़ा था, ये वैसे ही आ रहा था। अब ये कॉलर ऐसे टर्न होगा ना, जब ये बनाऊंगी ऐसे टर्न होगा, ठीक। अब हमने ये जो 25 स्टिचेस हैं उसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सीधा सीधा ही बनाना है, इसमें अब मैंने कोई नहीं बढ़ाना। जब हम इस साइड पे आएंगे तो फिर मैं कम करना शुरू कर दूंगी, यहाँ तक के मेरे एंड पे ये 11 रह जाए। और दूसरी बात जो मैंने नोट कर हमने करनी है कि ये कितने ये जो रिजेस है ये कितनी हुई हैं। यहाँ से अगर हम काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ये 42 मेरी रिजेस जो है ना ये इस साइड पे बनी है। 42 ही मुझे इस साइड पे भी बनानी है और साथ साथ में एवरी सिक्स सिलाई पे कम भी करना है। अभी तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीधा सीधा ही बनाती हूँ। ये देखें मैं यहाँ से यहाँ तक वही जो 25 स्टिच था उसको इतना पोर्शन बना लिया है ये कॉलर। अब मैं बैक साइड पे उसी तरह ये ऐसे करीब करीब पास पास ना इसको सीती जाऊंगी। यहाँ आप एक एक करके पास पास ऐसे सीते जाए, सॉरी थोड़ी थोड़ी गैप के बाद। बस ये ख्याल रखना है कि ये खिंच नहीं पड़े, ये यहाँ तक सीले हैं। ये ऐसे देखें, ये ऐसे आप सीते जाए, देखें तकरीबन पूरा पूरा ये आया है। बस एक एक करके मैंने इसको इधर सी लिया। अब यहाँ से हमने जब ये टर्न होना है तो फिर हम एवरी सिक्स सिलाई पे एक कम करते चले जाएंगे। यहाँ यहाँ मैं बंद करती हूँ। अब मैं यहाँ से लेके जब यहाँ पहुँचूँगी तो ये दो को एक कर दूँगी, एक दो का एक बना लूँगी। ये देखें जब मैं एंड पे आऊँगी तो ये दो को मैं इकट्ठा एक बना के और ये आखिर वाला ऐसे ही बना लूँगी, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, जब 6 सिलाई होगी फिर 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरह करते करते एंड तक मेरे वापस 11 रह जाएंगे और ये कॉलर की ये साइड भी बन जाएगी और कॉलर ऐसे बन जाएगा। जी ये देखें मैंने यहाँ से इसी तरह एवरी 6 सिलाई पे कम करते 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 यहाँ जब मेरे 11 रह गए तो इसको बंद कर दिया। अब मैं इसको कॉलर को यहाँ से लेके यहाँ तक उसी तरह जैसे मैंने ये पार्ट सिया है इस तरह सिलाई कर लूँगी ये, और ये फिर मेरा कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें मैंने सारा कॉलर यहाँ से ऐसे सारा उसी तरह बना के यहाँ सी लिया है और ये कितना प्रिटी कॉलर बना है ये देखें। और यहाँ पे मैं ऐसे 1, 2 बटन लगाऊंगी ये।
वैसे तो कॉलर को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे हम थोड़ी टू फिंगर आगे, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो गर्दन को चढ़ा चढ़ा लगता है ना, बच्चों को ऐसे बटन के साथ दो ये पहने ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो हो गया मेरा फ्रंट और बैक विद कॉलर। अब रह गए स्लीव। स्लीव्स का मैंने एक स्लीव्स बना के ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए। स्लीव्स में मैंने एक और क्रीम कलर, मेरे पास थोड़ा सा लेफ्ट ओवर पड़ा था तो वो मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर आ रहा था ग्रीन ग्रीन, तो थोड़ा सा उसको लाइट करने के लिए तो ये मैंने इसके अंदर स्लीव्स के लिए बस ऐसे चार सिलाइयाँ, इसकी दो, इसकी चार, इसकी दो, इसकी ऐसे डालना शुरू कर दी, और यहाँ फिर मैंने ऊपर डिज़ाइन को दोबारा कैरी ऑन किया। स्लीव्स के लिए ये कि मैंने यहाँ पे 46 46 स्टिच लिए थे, और जब मैंने इतना बना लिया यहाँ तक, तो फिर मैं एवरी सिक्स सिलाई के स्टार्ट में, इसको बढ़ाते चली गई। अगर आपने मेरी पीछे वीडियो देखी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे हर दफ़ा बढ़ती हैं चली जाती हैं, ठीक है। और यहाँ के बाद फिर मैंने इसको डिज़ाइन को बना लिया। टोटल इस स्लीव की लेंथ हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इंच, 14 इंच की ये तकरीबन स्लीव्स है, और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 8:30 के पास जब था ना, तो फिर मैंने ये वाला पैटर्न शुरू कर दिया, ठीक। उसके लिए मैं आपको लिख भी देती हूँ, ये मैंने 46 इसके स्टिच डाले, ठीक। ये बॉर्डर बना, इतना मैंने बॉर्डर बनाया, 1/4 तकरीबन, बड़ा भी आप कर सकते हो। जब मैंने यहाँ तक बना लिया तकरीबन 2 एंड इतना, यहाँ तक जब बन गया, आप ऐसे कह लें 4 फिंगर तक आप जब कह लें बन गया, तो फिर मैंने यहाँ स्टिच बढ़ाना शुरू कर दिए। ये 46 मैंने स्टिच बढ़ा ले। यहाँ के बाद मैंने एक सिलाई जब सीधी डाली तो मैंने यहाँ पे 1 के 2 बना लिए, इसी तरह एंड पे 1 के 2 बना लिए, ठीक। ये मैंने डाले। उसके बाद मेरी ये दूसरी सिलाई उल्टी थी, 1 2 सीधी, 3 उल्टी, 4 सीधी, 5। जब फिर मेरी 6 स्टार्ट होने लगी तो फिर मैंने दोनों तरफ से 1 1 बढ़ा लिया। इस तरह मैं बढ़ाती चली गई, और यहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम इधर बढ़ाया था, इधर, इसका मतलब है कि ये इसके बाद यहाँ ये 4 सिलाइयाँ प्लस 2, जब दोबारा ये मैंने ग्रीन कलर चेंज किया तो फिर मैंने बढ़ा लिया, ये सारा बना के, ये क्रीम भी बना के फिर जब मैंने चेंज किया तो बढ़ा लिया। इसी तरह दोनों साइडों से मैं बढ़ाती चली गई, और ये एक मैंने स्लीव बनाया है, दूसरा स्लीव मैंने यहाँ तक बना के रखा है, पैटर्न अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, ताकि आप लोगों को बताऊं कि पैटर्न को यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। इस वक्त मैंने 46 से ये मैंने स्टिचेस बनाए थे, अब देखते हैं कितने हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये स्टिचेस हो चुके हैं इस वक्त तक, ठीक। 46 से ये बढ़ा के, यानी कि अब मैंने एक तो मेरा मैंने यहाँ स्टिच बढ़ाया था, एक तो मेरा दोनों साइडों से एक एक स्टिच भी बढ़ना है, और साथ में मुझे डिज़ाइन भी डालना है। लेकिन डिज़ाइन के लिए पहली सिलाई मैं ऐसे करूँगी, सीधी सीधी ही बना लूँगी, उल्टी सिलाई पे हम डिज़ाइन की पार्टिशनिंग करेंगे, लेकिन हमने यहाँ स्टिच ज़रूर बढ़ाना है। यहाँ मैं पहले स्टिच को ऐसे 1 के 2 बना लेती हूँ, मैंने ऐसे किया, लीव नहीं किया, फिर बैक से 1 बना लिया, ये मेरे 1 के 2 स्टिच हो गए। बाकी मैं सीधी सीधी बनाती हूँ, और एंड पे जब आऊँगी तो फिर मैं यहाँ 1 के 2 कर लूँगी। ये देखें, ये मैं एंड पे आ गई हूँ, और एंड पे भी मैं 1 के 2 कर लूँगी, मैंने 1 के 2 कर लिए, ठीक। अब ये है कि डिज़ाइन को हमने इस तरह डालना होता है कि वो बैलेंस बने, यानी कि मैंने यहाँ कोशिश की है, जब मैंने गिने तो यहाँ मेरे 3 आ रहे थे और यहाँ भी 3 आ रहे थे, मिडल में 6 और 6 और 3, इस तरह मैंने इसको दोनों तरफ से मैंने कोशिश की ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, और फिर इस तरह जब आप इसको सीते हो तो वो नाइस लगती है स्लीव्स। हमने अब रॉन्ग साइड पे, पहले मेरे तो
ये थ्री होंगे, ठीक, फिर ये सिक्स है, फिर थ्री, फिर सिक्स, जैसे मैंने आपको उसके फ्रंट पैनल पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया था, उसी तरह हम इसकी रॉन्ग साइड से ही कर लेते हैं। पहले तो तीन वन टू थ्री मेरे उल्टे हो जाएंगे, ये वाले सीधे हैं, सीधे बनाए। फिर आप ये देखें, एक मैं स्टिच ऐसे ही उठा लूँगी, फिर एक यहाँ मिडल में उल्टा है जो कि इस साइड पे सीधा हो जाएगा, ठीक। अब फिर मिडल के ये दो हैं, फिर ये एक उल्टा है जो इधर सीधा होगा, और फिर मैं एक ऐसे ही उठा लूँगी। इसी तरह ये मैं बैक साइड से इसकी सारी इसकी कर लेती हूँ, ये थ्री सिक्स थ्री सिक्स करके ये सारा इसको डिस्ट्रीब्यूट करके डाल लेती हूँ। मैं एंड पे आ गई हूँ यहाँ, फिर मेरा ये उल्टा होगा, ये मैं ऐसे ही उठाऊँगी, और वन टू थ्री सीधे, ये थ्री ही मैंने इस साइड पे छोड़े थे, ये बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमने साथ साथ तो ये पैटर्न को भी लेके चलना है, और साथ साथ हर सिक्स सिलाई के स्टार्ट में यहाँ से भी बढ़ाना है। अभी तो मैंने बढ़ाया था ना, अभी एक सिलाई मैंने बनाने के बाद डाली थी, अब ये उसके बाद दूसरी चलने लगी है। अब दो सिलाइयाँ तो मैं ऐसे ही डाल लूँगी, जो सीधा जैसे है वैसे बनाऊँगी, उसके बाद हम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे ये, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है ना, अभी दो एक दो यानी कि पैटर्न की फर्स्ट रो हम ऐसे डालेंगे। ठीक है, मैंने दो सिलाइयाँ डाल ली हैं, अभी और दो सिलाइयाँ डालेंगी, फिर हम एक और बढ़ाएंगे। ठीक, अभी तो यहाँ से बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाया समझाया पैटर्न के हिसाब से हमने इसको बनाना है, ये वन टू थ्री के बाद वन टू थ्री, और यहाँ से मुझे इसकी लूप बनानी है ये ऐसे, और ये वन, और फिर यहाँ से लूप बने उसी तरह जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है। अब इसी तरह आप इसको फाइव टाइम इस पैटर्न को रिपीट कर लें। अभी ये 66 64 यहाँ क्रीम तक थे स्टिचेस, जब मैंने एक एक बढ़ाया तो 66 हो गए, यहाँ तक जाते जाते ये 74 तक स्टिच हो जाएंगे। मैं आपको लिख भी देती हूँ वो कैसे, कि ये देखें मैंने यहाँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस, दस जहाँ बढ़े, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह 14 मेरे इधर बढ़े, 14 ही इधर बढ़े, 14 एंड 14 दोनों जब साइड से बढ़े तो ये 28 हो गए। टोटल मेरे मैंने लिए थे 46 मैंने स्टिच कास्ट किए थे, ठीक है, तो ये कितने हो गए 74, यहाँ तक ये 74 हो जाएंगे जब आप फाइव टाइम पैटर्न रिपीट करोगे और साथ साथ एवरी सिक्स लाइक के स्टार्ट में इसको बढ़ाओगे। उसके बाद जब आपके यहाँ 74 स्टिचेस हैं यहाँ हो चुके होंगे, ठीक है, तो आपने यहाँ तीन इस साइड से कट करने हैं, और जब इधर आओगे तो तीन ही इधर से कट कर लोगे, फिर तीन, फिर इधर से तीन, इस तरह आपने कट करते चले जाना, तीन फोर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, जब आने के बाद ये रेस्ट ऑफ होंगे वो सारे आप इकट्ठे बंद कर दीजिएगा और आपकी ऐसी स्लीव्स रेडी हो जाएगी, ठीक है, और इस स्लीव्स को फिर हम इसके साथ ऐसे सी लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बटन मुझे लगाने हैं, ऐसे मैंने इस कॉलर को ऐसे खोल के रखा, और ये स्लीव का मिडल ये पार्ट है, जब मैं इस मिडल पार्ट को ऐसे रखूँगी, रखने के बाद ये देखें आसानी से बिल्कुल स्लीव्स का साइज़ अब आप देखें बिल्कुल, जब मैं इसको ऐसे सीऊँगी तो ये इसके बराबर आया हुआ है, ये बिल्कुल इसके बराबर, इसी तरह जब मैं इसको इधर करूंगी और ये इसको सीऊंगी ये बराबर, इसको मैं ऐसे सी लूँगी दोनों स्लीव्स को बना के, और हमारी ये बहुत प्यारा सा शॉल कॉलर के साथ जंपर रेडी हो जाएगा बच्चे का, ऐसे ये जब मैं सीऊंगी,
ठीक है, आप ये इसी तरह बना के सी लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अब बनाओ, ना सिर्फ बनाओगे बल्कि आपको समझ भी आ जाएगी, आप ट्राई भी करोगे। तो इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, फिर किसी और प्रोजेक्ट में मिलूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट समझ आ गया होगा। और दुआ में याद रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।